हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग हमारे मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग सारा फॉर्मूलाज पढ़ लिया था, लाइक कि कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, प्रॉफिट हाउ वी कैलकुलेट, लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज लॉस क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उस वीडियो का एक्चुअली एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1, और 10.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट अस फिल अप द फॉलोइंग टेबल। और इस टेबल में हमारे पास क्या गिवन है, देखो जैसे कि फर्स्ट रो में आप लोग देख सकते हो कॉस्ट प्राइस गिवन है और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस गिवन है। मतलब कि यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है, डेट इज 25%। आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। उसी तरह से यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये 300 गिवन है कॉस्ट प्राइस, और लॉस का परसेंटेज गिवन है। आपको अगेन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट या लॉस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो इसको मैं पहले नोट कर लेता हूँ। तो हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस, इसको मैं सीपी से लिखता हूँ, डेट इज़ 500, और आपके पास गिवन है प्रॉफिट का परसेंटेज, डेट इज 25%, एंड परसेंटेज प्रॉफिट ये हमारे पास गिवन है 25%। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस और कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट। चलो तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, राइट। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं गिवन वैल्यूज को नोट करूं, सो दिस इज 25 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है ये हमें निकालना है, और ये हो गया 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है 500। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो देखो तो ये दोनों जीरो कैंसिल हुआ, एंड प्रॉफिट का जो वैल्यू आ रहा हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल टू इस 5 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 125। तो प्रॉफिट आ गया 125, कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 500, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। जितना में हमने खरीदा है प्लस जितना प्रॉफिट हुआ है वो हुआ हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 125, सो दिस विल गिव यू 625 रुपीज, सही है, क्लियर है। चलो तो इसी तरह से अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है 300 एंड लॉस गिवन है 7, ठीक है। सो ध्यान से सॉल्व करना, कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का डेटा पहले मैं नोट करता हूँ। कॉस्ट प्राइस गिवन है 300 और लॉस गिवन है 7, एंड लॉस हमारे पास गिवन है 7 रुपीज, ठीक है। चलो तो अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लॉस का फॉर्मूला, आई होप सबको याद होगा, ठीक है। तो लॉस निकालते हैं हम लोग, लॉस इक्वल टू या परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस जो कि गिवन है यहाँ पे 300, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसके बाद हम लोग यहाँ पे 7 पुट कर देते हैं, दिस विल बी लॉस। लॉस कितना है, लॉस हमें निकालना है इनटू 100 डिवाइडेड बाय 300, राइट। तो फॉर्मूला पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लेता हूँ, दिस इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो फॉर्मूला में हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट कॉस्ट प्राइस को पुट कर दिया। तो नेक्स्ट अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ, ये जीरो कैंसिल हुआ, तो लॉस आ रहा हमारे पास 7 × 3, डेट इज़ ₹21, ठीक है। लॉस आ गया ₹21। अब बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, राइट। सो दिस विल बी 300 माइनस 21 एंड दैट विल गिव यू 279 रुपीज, क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन को भी हम लोग सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे, एकदम सेम वे रहेगा, आई होप ये आप सॉल्व कर सकते हो। आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाले रो पे। लास्ट वाले रो में क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2300, सो ये हो गया 2300, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास गिवन है प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट ये हमारे पास गिवन है 15। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो अगेन मैं सेम फॉर्मूला पुट करता हूँ कि प्रॉफिट होता है हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल टू, या परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज प्रॉफिट लिखता हूँ, सो दिस इज 15 इक्वल टू, प्रॉफिट हमें यहाँ पे निकालना है इनटू 100, और कॉस्ट प्राइस भी हमें यहाँ पे नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। चलो तो हमारे पास यहाँ पे दो डेटा अननोन हो गया, राइट, एक डेटा आपका प्रॉफिट, दूसरा आपका कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज 23000 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, हमारे पास कितना गिवन है, कॉस्ट प्राइस सर वी डोंट नो, प्रॉफिट सर कितना गिवन है, सर प्रॉफिट भी हमें नहीं मालूम है, प्रॉफिट भी हमें नहीं मालूम है। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि योर कॉस्ट प्राइस या फिर प्रॉफिट को आप लोग चेंज कर लो। सो कॉस्ट प्राइस को मैं लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 23000 माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हुआ, ये एक इक्वेशन फॉर्म हुआ है और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, दोनों को हमें सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करें, अभी हम लोग ये कॉस्ट प्राइस को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन में, इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू। तो कॉस्ट प्राइस को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देता हूँ, सो दिस विल बी 15 इक्वल टू प्रॉफिट इन 200 डिवाइडेड बाई 23000 माइनस प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 23000 इंटू 15 माइनस प्रॉफिट इंटू 15 इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100। अब प्रॉफिट वाले टर्म्स को एक तरफ लेके चले जाओ, सो दिस विल बी प्रॉफिट इंटू 115, इसको मैं बस इधर लेके गया हूँ, तो ये 100 था, ये 15 था, दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा, सो दिस इज 23000 इंटू 15, और यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट का वैल्यू आ जा रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू 23000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर हम लोग। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं 5 से कैंसिल करता हूँ, सो 3 टाइम्स में चला जाएगा, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। उसके बाद ये मैं अगर कैंसिल करता हूँ, सो दिस विल बी 1, 1, 2, 3, 0, तो ये हो गया 3000, राइट। तो प्रॉफिट का वैल्यू आ गया 3000, और हमारे पास सेलिंग प्राइस मालूम था, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 23000 सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो ये कितना आ गया, दिस इज 2000 20000 रुपया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रुपीस। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, राइट। चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं स्किप किया हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी है, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही रेयरली एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, सुबीर अंकल has sold a clock at price ₹176, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है ना, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास ₹176, ठीक है। इफ द लॉस ऑफ द सुबीर अंकल इज 12%, मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज लॉस गिवन है, डैट इज 12, बाई सेलिंग द क्लॉक, लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व डैट विच That with how much money he has bought the clock, मतलब यहाँ पे एक्चुअली हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लिखता हूँ, सो परसेंटेज लॉस
इक्वल टू लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे परसेंटेज लॉस गिवन है 12, लॉस हमें निकालना है, और ये हो गया 100 और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस भी हमें नहीं मालूम है और हमें यहाँ पे कितना लॉस हुआ ये भी हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक और मेथड बताता हूँ। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया है। तो एक और मेथड ये है कि मान के चलते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये मान लो एक्स। तो कॉस्ट प्राइस अगर एक्स था, परसेंटेज लॉस आपके पास गिवन है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का 12%, राइट। तो देखो ये जो परसेंटेज गिवन है ना, ये एक्चुअली में आपका कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज गिवन रहता है कि कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस हुआ है। तो अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है तो कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस हुआ है? 12% का लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो दिस वी हैव कैलकुलेटेड लॉस। क्लियर है? बताओ समझ में आया? सर ये फॉर्मूला आपने कहाँ से लिखा है ये बस हमें बता दो। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिखा है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या गिवन था? परसेंटेज लॉस गिवन था, राइट। कितना परसेंट गिवन था? 12% गिवन था। यहाँ से अगर मैं लॉस निकालूँ, सो लॉस इक्वल टू 12 इंटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 100। ये आ रहा है ना, बताओ। तो ये क्या है? ये एक्चुअली में है आपका परसेंटेज लॉस इंटू कॉस्ट प्राइस बाई 100, परसेंटेज लॉस इंटू कॉस्ट प्राइस बाई 100। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर हम लोग। सो दिस इज 100x माइनस 12x डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा आपके पास 88x बाय 100, और ये आपके पास गिवन है 88x बाय 100, आपके पास गिवन है 176 सेलिंग प्राइस गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, सो ये चला जाएगा 2 times, राइट। हाँ तो ये हो गया 2 times, तो x का वैल्यू आ गया 200, राइट। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 200 rupees। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अच्छा ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कितना इसका कॉस्ट प्राइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अनोरा बीबी हैज सोल्ड ईच डजन लेमन एट ₹42 बाय बाइंग 10 lemons एट ₹30। लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अनोरा बीबी हैज मेड। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, मैं पहले ये नोट करता हूँ, ठीक है। देखो सोल्ड मतलब कि सेलिंग प्राइस, राइट। तो 12 lemons का सेलिंग प्राइस ये गिवन है ₹42। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे 12 lemon है, 1 dozen ईच डजन बोला है, यहाँ पे 10 lemon बोला है। इसका मतलब कि दोनों अलग अलग वैल्यूज़ का सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो हम लोग उसको कोई स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करते हैं, किसी वन में चेंज कर लेते हैं। मतलब कि एक लेमन का सेलिंग प्राइस कितना इसमें चेंज कर लेते हैं। तो एक लेमन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक लेमन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹42 by 12। 12 का अगर पैसा, अगर रुपया 42 है, तो एक का कितना होगा? सिंपली ₹42 by 12। सिमिलरली एक लेमन का अगर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, सो दैट विल बी 30 divided by 10। ये कितना आ रहा है? दिस इज ₹3। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। सही है, बताओ समझ में आ रही है? ओके, सो ये आ गया हमारे पास 42 by 12, ये आ गया हमारे पास ₹3। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज मोर देन 3, राइट। तो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ है। तो आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो हमें पता ही है। सो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलो तो देखो सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस आ गया 42 by 12 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 minus 36 divided by 12 into 3 into 100,
सो दिस वैल्यू विल गिव यू, ये आएगा आपके पास 6/12 इंटू 3 इंटू 100, ये आ गया 2, और इसको अगर मैं काटूँ सो दिस इज 50. सो ओवरऑल हमारे पास आ रहा है 50/3, राइट. तो परसेंटेज प्रॉफिट आ गया 50/3. आपसे पूछा गया था परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस ही पूछा था. सो देयर विल बी प्रॉफिट, और ये परसेंटेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 50/3. बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, अमल बाबू सोल्ड अ पिक्चर एट 20% लॉस बट ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5% इफ ही सोल्ड इट विद 200 मोर. लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर ही हैज विद द बॉट. ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है, लॉस गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है अगर वो उस पिक्चर को 200 ज़्यादा में अगर बेच दिया होता. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस है एक्स. तो बताओ फर्स्ट वाले केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हुआ है ना, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस का 20% यहाँ पर लॉस हुआ है. ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग एज 80x/100. सो 80x/100 ये हमारे पास गिवन है कितना, ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस, सॉरी ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है. तो ये हो गया सेलिंग प्राइस. सेकंड क्या बोला गया है कि अगर ये सेलिंग प्राइस 200 रुपया और ज़्यादा होता, मतलब कि नाउ सेलिंग प्राइस न्यू ये कितना है, देखो पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो दिस इज 2 × 4, 2 × 5, सो 4x/5 प्लस 200. तो ये जो नया सेलिंग प्राइस है अगर इसमें बेचे होते तो 5% का प्रॉफिट होता, मतलब कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है यहाँ पे. तो ये हो जाता हमारे पास 5. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इसको सॉल्व करें हम लोग. सो दिस इज 4x/5 प्लस 200, ठीक है, माइनस एक्स इंटू 100 इक्वल टू 5x. तो ये वाला आ जाएगा 4x/5 प्लस 200 माइनस एक्स इक्वल टू 5x/100. एक्स वाला टर्म को हम लोग एक तरफ ले लेते हैं. सो दिस इज 5x/100 माइनस 4x/5 प्लस एक्स इक्वल टू 200. एलसीएम ले लेते हैं, सो द एलसीएम विल बी 100. सो 5x माइनस, सो दिस विल बी 20, 80x, राइट. ये आ जाएगा आपके पास 80x प्लस दिस विल बी 100x इक्वल टू 200. और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 20 + 25 x/100 इक्वल टू 200. और यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, सो दिस इज 4, सो x का वैल्यू आ रहा है 800. तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया है 800, सही है. तो मेनली करना क्या है आपको, जो क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन से डेटा निकालना है, यूज़ करना है और फिर सॉल्व करना है, राइट. तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में अगेन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.